आपका यशस्वी नेतृत्व मौजूद है इस श्रृंखला में। मैं अब आपके प्यारे भैया यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको तो सौगात दी, लेकिन अब कुछ बहनें हैं जो अपने प्रिय भैया के लिए एक सौगात लेकर आई हैं। मैं आमंत्रित करूंगी उन बहनों को कि वे भेंट प्रस्तुत करें। 332 करोड़ की राशि, ये मध्य प्रदेश का दशा दिशा बदल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच इरादा और इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। आज मध्य प्रदेश के इस शिवपुर को और संकल्प जो मध्य प्रदेश के बहनों के जीवन में एक नई अगर ऊर्जा का संचार की बात ये है कि ये जो गिफ्ट जिसको हम भेंट कहते हैं वो लेकर आई हैं, वो उनके बनाए हुए स्वसहायता समूह के आजीविका के उत्पाद हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बहनों के लिए जिन्होंने इस स्वसहायता समूह के साथ बढ़कर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान की, और इस उम्मीद के साथ वो आज यहाँ हैं कि हम सभी उनसे प्रेरणा लेंगे और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, सही कहा शिवाली आपने। देखिए, इन बहनों का आत्मीय स्नेह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनत्व है। इन जोरदार थालियां एक बार फिर से, इससे बड़ा क्षण क्या होगा। माननीय शिशु मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब मौजूद हैं, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय इंदल सिंह गंसाना जी, माननीय हमारे रामनिवास जी रावत और समस्त नेतृत्व। अब हित लाभ वितरण जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, मैं हित लाभग्राहियों को श्रीमती कल्पना आदिवासी निवासी बैनीपुरा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से तमाम हितग्राही मंच पे आ जाएं। श्रीमती कल्पना आदिवासी, श्रीमती रीना आदिवासी निवासी पार्वती बड़ौदा, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का आज स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से क्रमशः आप आ जाएं। श्रीमती कल्पना आदिवासी बैनीपुरा से, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना श्रीमती रीना आदिवासी पार्वती बड़ौदा से, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आपके बीच की बहने हैं श्रीमती सर्वदी धाकड़ निवासी मगरदेह, ई कृषि यंत्र अनुदान योजना में पंप सेट स्वीकृति क्रय आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। श्रीमती रेवती रावत निवासी भैसाई, ई कृषि यंत्र अनुदान योजना पंप सेट स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। सभी हमारे हितग्राही आ जाए। श्रीमती गीता मांझी निवासी लाडपुरा, अमरूद फल पौधा रोपण योजना जिसमें 0.6 में 24,000 रुपए की अमरूद फल पौधा रोपण स्वीकृति आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से। जानवी यादव निवासी कुंडीपुरा, लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र के लिए आ जाए। सनाया साक्य लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कीजिए। कुमारी वैष्णवी सिंह जादौन वार्ड 12 विजयपुर से मिशन वात्सल्य जिसके अंतर्गत 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का स्वीकृति आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे प्रशासन के अधिकारी उन्हें लेकर पहुँचे। कुमारी यशिका विसारिया वार्ड 6 मिशन वात्सल्य 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति आदेश पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से। श्रीमती दाखा लोहपीटा निवासी रामपुरा ग्राम खितरपाल, श्रीमती दाखा जी पहुँचे स्वामित्व योजना से, आवासीय पट्टा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। श्रीमती रानीबाई लोहपीटा निवासी रामपुरा ग्राम खितरपाल, स्वामित्व योजना आवासीय पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और श्रीमती मीना शर्मा बांके बिहारी स्व सहायता समूह बीरपुर, श्रीमती सीमा जाटो शेडवाली मैया स्व सहायता समूह चिमलवानी ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 21 करोड़ रुपए का चेक श्रीमती मीना शर्मा बांके बिहारी स्व सहायता समूह की बहन को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे, कृपया आप पहुंचे। श्रीमती बॉबी श्रीवास्तव सदस्य सत्यराम बाबा समूह आरोध, श्रीमती पूनम जादौन सदस्य सत्यराम बाबा समूह आरोध ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 6,00,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी क्रमशः इन सभी लाभार्थियों को भेंट कर रहे हैं। एक ऐसा नेतृत्व है मध्य प्रदेश का जो सबकी
विकास की, सबके समृद्धि की, सबके उत्थान के लिए ये तमाम हितग्राहियों के जीवन में खुशियां लाए। देखिए ये चेक भेंट की जा रही है इस समय, बहुत गौरव के पल। श्रीमती उर्मिला धाकड़, सदस्य जय गिलाई महासमूह बबनवास। श्रीमती ललिता आदिवासी, सदस्य जय गिलाई महासमूह बबनवास। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 6 लाख रुपए का चेक। एक बार और तालियां बजाएं। देखिए ये आप सब अपने बीच की हमारी बहनें हैं जिनको हित लाभ अलग अलग योजनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री माननीय कृषि मंत्री अंदल सिंह गंसाना जी, माननीय रामनिवास जी रावत, सभी व्यक्तित्व हमारे नेतृत्वकर्ता उन्हें प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्षण क्या होगा हम सब के लिए, हम सब के लिए इससे खूबसूरत पल क्या होगा जब हमारे विकास की ये गति बह रही है, हर दिशा में मध्य प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। लाडली बहनों के जीवन में खुशहाली आए, एक छोटी सी गुड़िया चेक ले रही है, तालियां बजाएं आप। देखिए आप, यही विश्वास की सरकार है, यही एक एक छोटे छोटे जगहों पे विकास की ये धारा बह रही है। लाडली बहनें हजारों की संख्या में आई हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारा नेतृत्व इस समय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें बात करें राशि योजनाओं के जो तमाम हितग्राही हैं उन्हें प्रदान करते हुए, बहुत ही गौरवमयी पल। बिल्कुल, जिस तरह से ये बहनाएं, ये महिलाएं हम सभी के बीच से उठकर, आप सभी के बीच से उठकर आज यहाँ पहुंची हैं, जहाँ कितना भावुक, ये अगर आप देखेंगे कितना प्रसन्नतामयी, भावुक और एक कई सारे जो भावनाएं हैं वो क्षण हैं ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी आया है और उसे ये आशीर्वाद कि वो इस प्रदेश देश का नाम रोशन करे और आसमान की हर उस ऊंचाई को छुए जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। ये एक बेहद गौरवान्वित कर देने वाला क्षण, हम सभी के लिए सौभाग्य, हम सभी के लिए गौरव का विषय, जहां पर हितग्राहियों को ये प्रस्तुत किया गया। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए माननीय वन मंत्री जी श्री रामनिवास रावत जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। तो लाडली बहनों के खाते में 250 के शगुन के साथ 1500 रुपए और मंच पर तमाम ये मध्य प्रदेश का दशा दिशा बदल जो दिग्गज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेता हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, स्थानीय नेता। इसके अलावा मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। बहनों के खातों में सौगात पहुंचने का सिलसिला, रक्षाबंधन का उपहार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शिवपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की। भारत माता की, भारत, जरा जोर से, भारत माता की, भारत माता की, जय बोल सियावर रामचंद्र की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित महाकाल के कृपा पात्र, महाकाल के सेवक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के बहनों के भैया, परम आदरणीय मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दें।